ग्रिप लगा रहा ना भाई, इस वजह से आंख लाल होगी। और गाइस आज थोड़ी देर में रोक के पप्पी से लेके आऊंगा इसका भाई, कुछ ना कुछ आज नाम रखते हैं बढ़िया सा। देखना भाई कैसा गुड़ाने लग रही, मेरे तो भाई पकड़ने का मन कर रहा है। यो भाई किसी ने छोड़ रखा है ऐसे। तो गाइस चलते हैं पप्पी को घर लेकर। रोक फर्स्ट टाइम मिल रहा है अपने पप्पी से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीति डॉग चैनल। और गाइस अभी रेड किंग को घुमा के लेकर आया था, ये घूम रहा हमारा रेड किंग। इसे भाई नीचे फ्रेश वगैरह ला भाई करवा के, सिम्बा भाई सारे दिन छेड़े जावे। इसे ये नहीं पता कि अगर ये गुस्से में आ गया तो गुस्से मारना ही भूल जाएगा, तू समझा? क्योंकि भाई जब तक शांत है अगर भाई एक बार गुस्से में आ गया फिर तो भाई खत्म। सब इसे कल की तरह इस वाली छत पर बांधता हूँ और गाइस रोक को लेकर आता हूँ बाहर। बांध दिया भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई बंदर आने के सिम्बा को देखो भाई कैसा देख रहा। सिम्बा था जब बांधना क्या? नहीं भाई रोको, तू भी आ जा। और गाइस रोक सीधा रेड किंग के पिंजरे में गया था, देख रहा था कि वो अब भी है क्या। और गाइस कल तो इन दोनों का आमना सामना भी हो गया था गलती से, बस भाई बाले बाल बच के, वरना भाई फाइट हो जाती। मैंने भाई रेड किंग को जैसे खोला इस वाली छत पे से, यो भाई भाग का यहाँ पे। और गाइस रोक यहीं पे घूम रहा था। अगर भाई रोक लड़ता रोक के सपोर्ट मोको को भी आती। सिम्बा और रोक को देखो भाई फिर से आकर घाट पे बैठ गए। लो भाई तो वीडियो बनाते उठ गया, बट भाई अच्छी बात है इन दोनों की दोस्ती होती जा रही है सिम्बा और रोक की। क्योंकि भाई मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इनकी दिक्कत हो सके, दोनों के दोनों मेल डॉग हो गए ना इस वजह से, समझ रहे हो? तो गाइस आगे इन सबको भी लेकर नीचे। और गाइस जो कल पिजन दिखा था ना वो भाई सुबह से बोर्ड का भाग गया। मैं तो भाई से पकड़ने के लिए गया, वो भाई उड़ गई भाग गया। एक देखो भाई कौन चढ़ रहा। और गाइस थैंक यू सो मच भाई, मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया आप लोगों की दुआ की वजह से, आप लोग ही सपोर्ट की वजह से, आप लोगों को और क्या क्या कह रहे थे आपके प्यार से मर रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? और गाइस सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग शाम के टाइम करूंगा। गोल्ड प्ले बटन मिलेगा 1 मिलियन पे, उसमें अभी बहुत टाइम है। तो गाइस जल्दी से गोल्डन प्ले बटन भी बनवा दो। वैसे तो भाई मुझे पता कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट भाई कोई नहीं एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। और एक गाइस ने देखो भाई कहां पे मस्ती कर रही। वैसे भाई ने मस्ती करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भाई मिट्टी वगैरह ना खावे तो अच्छा, क्योंकि भाई कोको और गाइस सिम्बा ये दोनों भाई उल्टी पुल्टी चीज खावे नीचे आके। देखना भाई कहां पे चढ़ गया। वैसे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भाई कहीं पे चढ़ जाओ, बस भाई कुछ खाओ ना। रोक को टायर की लगी, रोक नु कह रहा मुझे टायर दे दो, बट भाई से ग्रिप लगाते सारे के सारे लग जाएंगे। सोच रहा भाई इसकी शाम के टाइम ही लगवाऊंगा, क्योंकि भाई हल्की हल्की धूप आनी स्टार्ट होगी ना। और गाइस आज थोड़ी देर में रोक के पप्पी से लेकर आऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़। एक मेल लेकर आऊंगा एक फीमेल लेकर आऊंगा, देखना भाई कहां पर चढ़ रहा। और गाइस मेरा मन तो कर रहा रोक को भी अपने साथ ले जाऊं पप्पी से लेने के लिए, बट भाई क्या पता उस साइड से आने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि बाइक पर जाऊंगा ना। बात तो सही है। ये दोनों तो भाई पूरे एक्साइटेड हो गए ग्रिप लगाने को। सोच रहा भाई थोड़ी देर निकालकर टायर डालता हूं, वरना भाई परेशान हुए रहेंगे। यहां पर भाई रोक्सी और सिम्बा मस्ती कर रहे हैं, चिंटू बेचारा अकेला बैठा। सबसे पहले भाई दोनों को तो टायर देता हूं, लो भाई खेल लो। ये दोनों तो भाई टायर में मस्ती करके खेल लेंगे, चिंटू भाई ने देख के मनोरंजन कर लगा। और गाइस ये दोनों तो लगे ही पड़े। वाह वैसा भाई सभी की बढ़िया जोड़ी बन रही, देख लो भाई इन दोनों कितनी क्यूट जोड़ी लगा। सिम्बा ने भाई रेपट मार दिया उसके। इन दोनों की जोड़ी का तो कहना ही क्या, चिंटू हमारा बेचारा खेलना रहेगा, चिंटू के नाम की भी लाऊंगे भाई कोई ना कोई। अभी थोड़ी देर में उस फीमेल के पास भी जाऊंगा जो भाई रेस्क्यू करी थी, जिसका भाई एलर्जी हो रही, आज भाई उसका नामकरण भी कराएंगे कोई बढ़िया सा। और गाइस रेड किंग ऊपर से भोगने लग रहा, आवाज आ रही नीचे तो, क्योंकि भाई उसका भी मन कर रहा होगा बेचारे का खुलने का, बट भाई उसका ना खुलने की मजबूरी है ना, वरना भाई मन तो मेरा भी करे इन सब के साथ खेलता कूदता, बट भाई क्या करे, क्योंकि भाई ये ब्रीडी ऐसी होगी भाई इन दोनों को ऐसा एक साथ खुला नहीं छोड़ सकते। और गाइस वहां पे सिम्बा और रोक्सी को देखो भाई कैसे बैठे फूलों के नीचे, ये देखना भाई कैसे मस्ती कर रहे। दोनों की जोड़ी भाई क्यूट लगने लगी अब तो, वरना भाई जब सिम्बा मेरे पास आया था जब तो भाई बहुत कैडी दुश्मनी थी दोनों की। जब भाई सिम्बा के पास रोक्सी आती सिम्बा भोका था, रोक्सी के पास सिम्बा होता रोक्सी भोका थी, समझ रहे हो? बट भाई मुझे लग रहा था इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। और गाइस देख लो अभी इन दोनों की दोस्ती, मुझे तो बस भाई चिंटू के लिए बुरा लग रहा है, बेचारा चिंटू अकेला रह गया। दुख का खत्म नहीं होता बे, चिंटू बेचारा इन सब कोई देख रहा। सोच रहा भाई इसके नाम का भी कोई छोटा सा मेल या फिर फीमेल पप्पी लेकर आऊंगा देसी। मेल ना लेकर मेल के साथ बजेगी इसकी, जोड़ा हो जाएगा। वैसा भाई देसी डॉग की बजनी तो नहीं चाहिए मेल मेल के साथ। और देखते हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताना मेल लेकर आऊं या फिर फीमेल लेकर आऊं। सब इन सब को ऊपर छोड़ करता हूं और गाइस चलता हूं उस फीमेल के पास, साथ साथ भाई पप्पी से लेने में चलूंगा। बट भाई अभी हटाने मुश्किल हो जाऊंगे, क्योंकि भाई एक बार टायर में लगे पीछे फिर ना भाई पीछे छोड़ते। लो भाई अब तो रोक्सी भी लग गई, बुड़का ना भरा रोक्सी, देखो भाई बुड़का भरा इसके पीछे। सिम्बा को देखो भाई सिम्बा कहां जाके बैठ गया आराम से मिट्टी के ढेरे पे। इन सब को देख रहा किसकी आंख लाल होगी, ग्रिप लगा रहा ना भाई इस वजह से आंख लाल होगी। देखो भाई कैसे आराम से बैठ गए, सबसे मेन रोक और चिंटू को देखो भाई कैसे एक जगह पे बैठे। चलता हूँ भाई पप्पी के पास, बाय बाय। और गाइस ये बैठी हमारी फीमेल, अब तो भाई काफी आराम है इसका, खून वगैरह भी नहीं आ रहा कहीं से। लगाता हूँ भाई इसका ऑयल वगैरह, क्या कह रहा है? हाँ आराम है, बहुत आराम है। बॉबिडोन नाम क्या रखा जिसका, नाम बता कुछ बढ़िया सा। डबल बॉबी, डबल बॉबी तो इस पर सूट नहीं होने का, फीमेल होगी ना। इसका भाई कुछ ना कुछ आज नाम रखते हैं बढ़िया सा। तो गाइस इसका नाम बेला फाइनल कर दिया, क्योंकि भाई इसका नाम है एला या होगी बेला तो होगा जैला। बढ़िया जोड़ी होगी इन तीनों की, तो गाइस बहुत होगी मजाक मस्ती। अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सामने उनकी लहरियों को देखो भाई कितनी ज्यादा क्यूट लग रही, घास खाने लग रही। अरे पेयर है इन दोनों का बीच, खरगोश की तरह खा रही देखना, क्योंकि भाई मैंने पहले खरगोश पाल रखे, वे भी भाई ऐसे ही खाया करते। भाई कह रहा कि मेरे पास खरगोश है, मुझे तो भाई खरगोशों की याद आएगी, लहरियों को देख के खरगोश देख करता हूं। रहा नहीं जाता, पड़े ना पालता ना हूं, बट भाई मुझे भी बहुत शौक है। तो गाइस आ गया भाई के पास, और गाइस ये री पाकिस्तानी बुल्ली की फीमेल एग्रेशन करी भाई मेरे ऊपर, अटैक ना करती है। देखना भाई कैसा गुड़ाने लग रही, तो भाई पूरी अटैक कर रहा है भाई, एक बार हाथ में आ जाए इससे तो भाई दूर ही चलते हैं। तो गाइस ये खरगोश देखना भाई कितना ज्यादा क्यूट लग रही।
और गाइस एक सिकंदर घुस गया, अरे दो तीन है यहाँ पर तो। और गाइस टोटल चार है, चार बता रहे भाई मेरे पास ही भाई, सेम टू सेम ऐसे ही थे जाली भाई, तो सारे सारे अपने सुरंग के अंदर जाली। मेरे तो भाई पकड़ने का मन कर रहा, बुड़काना भर ले। आजा भाई, आजा बाहर आजा। देखना भाई कितना ज्यादा क्यूट लग रहे। और गाइस इनकी आंख देखो भाई कैसी लग रही, जैसा भाई ओडाइस की हो, हस्की की भाई सेम टू सेम ऐसी आंख हो। छोड़ता हूं इन्हें वापस, ज्यादा परेशान नहीं करता। तो गाइस पप्पीस लेने चलता हूं, पप्पीस लेकर आता हूं। इन पिटबुल के पप्पीस को मैं पालने का नहीं, एक दोस्त लेकर जाऊंगा मैं भाई, इस वजह से नहीं पाल रहा बिकॉज भाई थोड़े टाइम बाद एक और फीमेल भी आने वाली, वो भाई अमेरिकन बुल्ली की है, वहां से पालूंगा भाई रोक के पप्पीस। वैसे तो भाई वाले पप्पीस ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है, बट भाई थोड़े टाइम बाद इससे बढ़िया क्वालिटी आने वाली है, भी पालूंगा समझ रहे। तो गाइस आज फिर से रस्ते में ग्राउंड का डॉग मिल गया, ज्यादा पसंद आ भाई। वैसे भाई मेरा मन तो कर रहा है पकड़ने का, बट भाई क्या पता अटैक वटैक कर दे, मेरा पैर सूंघ रहा, मेरे दिल की धड़कन हो रही तेज। बस चला जा भाई, चला जा यार, चला जा। यो भाई किसी ने छोड़ रखा है ऐसे। तो गाइस थोड़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं ऐसे। टॉमी मोती क्या नाम है तेरा? ले 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 ले, आजा आजा आजा। नहीं तो गाइस वो तो जा लिया, उन ताऊ के पास जा लिया। क्यों ना भाई हाथ लगने का, यो तो भाई खेत का आदि हो गया, काफी दिनों से रहना भाई यहाँ पे। पकड़ने की कोशिश भाई इस वजह से नहीं करी, क्या पता भाई अटैक अटैक करता है। बात तो सही है। तो गाइस आगे पप्पीस के पास, और गाइस इस वाले पप्पी को देखो भाई, तो भारी घूम रहा। इस पप्पीस की आंख देखो भाई कितनी ज्यादा क्यूट है, सभी की पिंडे लगे, सभी पप्पीस अपनी मदर का दूध। देखना भाई सारे कैसे लगे पड़ी, बट भाई अब दूर दूर भागने लगे, कैसे सारे सारे आगे पीछे घूम रहे। ये भाई फिर से लग गया, ये तो नहीं घूर रही, दूर दूर भाग गया इनसे। ये बार बार इसका दूध पीवे या भाई पियाना नहीं चाहती, कैसे लोट लगा रही खाट पे। खरा हुआ इसका तो भाई अलग स्टाइल है। इन दोनों को देखो भाई कितने क्यूट लग रहे, एक ही जगह बैठे ना। पिटबुल की प्योरिटी चेक करने का भाई ये तरीका होगा इनकी, भाई खाल पकड़ के ऊपर उठा लो भाई, ये बिल्कुल नहीं चिल्लाते। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे, बट भाई इनकी क्वालिटी चेक करने का तरीका होगा, समझ रहे हो। सभी ना आखिरी पर दूध पिला रहे, अब भाई ना रोक के पास लेके जाऊंगा, रोक से मिलवाऊंगा। चलते हैं पप्पी शुगर लेकर। तो गाइस अभी पप्पी को लेकर टाइसन के पास आ गए थे। यो रहा भाई टाइसन, ये रही हमारी मोटो, और गाइस ये रहा वो छोटा पप्पी। रास्ते में सोचा भाई से मिलवाते हुए चलेंगे, बट भाई तो सारे सारे ओप्लेक्स हो गए, क्योंकि भाई नहीं जगह पाए ना। दोनों को दोनों आपने लग रहे हैं, क्योंकि भाई गर्मी हो रही ना। बाबा जी को देखो भाई कैसे खेल रहे हैं इनके साथ, कैसे लगे बाबा जी? बढ़िया है, देख रहा भाई कैसे बाबा जी गोद में बैठ गए। तो गाइस आ गया घर पे पप्पीस को लेकर, और गाइस इन सबको देखो भाई कैसे देख रहे। ये देखना भाई सारे के सारे चिपट गए, नू कह रहे कि न लेकर आगे। ये देखना भाई तो रोक फर्स्ट टाइम मिल रहा है अपने पप्पी से। ओ भाई साहब तो सारे के सारे चिपट गए, बट भाई कोई सा भी अटैक नहीं करने का। तो गाइस अभी ना ऊपर लेकर आता, जाने से पहले ना कुछ खिलाता पिलाता हूं, बट भाई ये सारे के सारे तो इनके पीछे ही लग रहे। रोक तो कैसे सूंघ रहा है सबको। और गाइस इतने पप्पीस जाने के नहीं, इतने भाई इनके आगे पीछे घूमे जाओगे। तो मैंने भाई रेड किंग को कह रहा मेरे से मिलवा दो, बट भाई रेड किंग से नहीं मिलवाता, क्योंकि भाई रोक हो गया ना अभी मेरे पास, समझ रहे हो। रेड किंग से भाई बार बार से मिलवाते हैं। रोक को देखो भाई, रोक तुरंत जाले पप्पी के पास, बट भाई रेड किंग कुछ नहीं कहने का, यो बस भाई रोकना दिक्कत करता। रोक देखो भाई कितना कड़ा कड़ा देख रहा, थोड़ी देर में रेड किंग को बाहर निकाल लूंगा। अभी भाई पहले इन अच्छे से मिल लेने देता हूँ। देखो भाई कोको तो इसके पास जाली, फीमेल के पास। रोक भाई मेल के पास जा लिया, जा लिया भाई फीमेल के पास भी जा लिया। देखना भाई सारे सारे कितने ज्यादा क्यूट लग रहे। ओह माय गॉड, कोई नहीं भाई थोड़े टाइम बाद अपने लिए भी एक पप्पी लेकर आऊंगा, और गाइस रोक का ही पप्पी लेकर आऊंगा। पालने को तो भाई नहीं पाल लेता, बट भाई थोड़े टाइम बाद इनसे बढ़िया क्वालिटी आने वाली। अभी भाई फिलहाल रोक को मिलने देता हूँ इससे। और गाइस घर पे मैं इसी वजह से लेकर आया था कि भाई रोक मिल ले अपने बच्चों से। देखना भाई कैसा कर रहा। A few inches later. तो गाइस अभी पप्पी इसका भी जाने का टाइम हो गया, बैठ गए भाई दोनों दोनों। रोक को देखो भाई कैसे दिख रहा है, कोको तो भाई काट पे चढ़ गई, बट भाई कोई नहीं थोड़े टाइम की बात हो रहा है। जल्द भाई एक और क्यूट सा पप्पी आने वाला, उसे तो भाई मैं एकदम से दिखाऊंगा, सरप्राइज है भाई आप लोगों के लिए। अभी तक तो खैर उसने बच्चे भी नहीं दिए, बट भाई बच्चे देने वाली है। तो गाइस अभी पप्पीस तो जा लिए, सोच रहा भाई नहीं थोड़ी देर ग्रिप लगवाता हूँ। टायर को ऊपर रख दिया, देखो भाई कैसा पागल हो गया। सिम्बा भाई ना कोको को भोक रहा, कोको भाई सिम्बा के ऊपर अटैक ना करता, क्योंकि भाई पीछे छेड़ रहा ना इसे। रोक तो भाई पूरी फॉर्म मारा पीछे छेड़ने की, बट भाई चोट लगवा लगा। चढ़ेगा भाई चढ़ेगा। तो गाइस इनके ज्यादा ग्रिप नहीं लगवाता, बिकॉज भाई थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी, थोड़ी बहुत ग्रिप तो भाई चल जावे, बट भाई ज्यादा ग्रिप नहीं लगवाता। सिम्बा के बच्चे तू क्यों बुड़का भर रहा उसके। रोक्सी को दिखाऊं भाई, देखो रोक्सी क्या कर रही। रोक्सी भाई देखो अकेली टायर में लगी पड़ी। तो गाइस अब इन सब को ऊपर लेके चलता हूँ, बहुत मुश्किल से गिरी फट भाई। और गाइस आज तो मुझे अपने सिल्वर प्ले बटन की भी अनबॉक्सिंग करनी थी, अभी पहले एक बार नहाता हूँ, फिर भाई शाम के टाइम करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस अभी शाम हो गया, और गाइस मौसम देखो भाई कितना टॉप हो गया, ऐसा लग रहा कि बारिश आने वाली, बिल्कुल घटा सी हो गई एकदम से। थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, बट भाई एकदम से अंधेरा अंधेरा टाइप से हो गया। तो गाइस आ गया रेड किंग के पास, देखो भाई कैसा मटकता हुआ घूम रहा पूरी छत पे। अभी खोल ना भाई, एकदम से पूरा एक्साइटेड हो गया। मैं तो सोच रहा था भाई ना खेत में घुमाने लेकर चलूं, बट भाई अब तो बारिश का मौसम हो गया, इसमें तो नीचे आया था, बट भाई एकदम से बारिश आ गई, ऊपर चल गया भाई रेड किंग को अलग कर दो। तो गाइस आने लगी तेज बारिश, और गाइस यहां पे सब मस्ती कर रहे। सिम्बा ने भाई चिंटू की रेल बना रखी, देखना भाई कैसा दबक बैठा। बड़े भाई सिम्बा की एज कम हो, बट भाई हो गया इसके जितना ही। तो गाइस सोच रहा कल को करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइस इन नेताजी को देखो भाई कहां पे बैठेगा, आराम से कुर्सी पर बैठा। तो गाइस वीडियो के एंडिंग इन चारों के साथ ही करता हूं, कोको भाई इसके ऊपर कूद की तुरंत लुढ़का दिया नीचे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।